आप सामने मतलब पहाड़ देख सकते हो, बादल पूरे नीचे गिरे हैं, तो वहाँ पर एक मंदिर है, तो सोचा वहाँ पर आज जाते हो। और अभी आप व्यू देख लो पूरा, और ये खेत भी देख लो। तो हम पहाड़ों में रहते हैं, आपको पहले एक ब्लॉग में भी बताया था। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज करना कैम चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरके भाई। तो ये रही फाइनली बाइक, और अभी हम अपने गांव में है, तो आप सामने मतलब पहाड़ देख सकते हो, बादल पूरे नीचे गिरे हैं, तो वहाँ पर एक मंदिर है, तो सोचा वहाँ पर आज जाते हो। और आज पूरा दिन बारिश ही चल रही थी, तो सुबह से वहाँ ऊपर जाना है, तो बारिश ही पूरे दिन चल रही थी। अभी आप हर जगह खेतों में देखो पानी है, तो चलो आज वहाँ पर चढ़ते हैं। और हमारे साथ आज संजय भाई आए हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं, और वहाँ बादलों के बीच एक मंदिर है, वहाँ पर चलते हैं। तो अभी बारिश ख़त्म हुई है, पूरे दिन से बारिश ही चल रही है, और सामने पहाड़ देख सकते हो, ये हमारे गांव का ही पहाड़ है, शंकर भगवान का एक मंदिर। और अभी आप व्यू देख लो पूरा, और ये खेत भी देख लो। तो हम पहाड़ों में रहते हैं, आपको पहले एक ब्लॉग में भी बताया था, तो वहाँ से चलते हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। बाहर से भी लोग बहुत सारे आते रहते हैं, पर अभी तो बारिश का टाइम है, तो आपने भी देखा होगा, पर आज के ब्लॉग में दिखाई देते हैं, फिर से ब्लॉग भी बन जाएगा। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो, देखने लायक बहुत ही अच्छी जगह। और बारिश के टाइम में तो और भी मज़े आ जाएंगे आपको। तो यहाँ दो रास्ते होंगे, ये वाला जो हमारे गांव के तरफ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा मंदिर की तरफ। व्यू देख लो पहाड़ों का, तो हमें तो पहाड़ों में रहना बहुत ही पसंद है, तो व्यू कुछ ऐसा है, देख लो आप, पूरे बादल नीचे गिरे हैं, और अभी ये बादल वापस ऊपर जाएंगे तो तुरंत बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। और आपने एक दूसरी भी बात नोटिस की होगी, हमने ये वाइज़र वापस लगा दिया, और ये मिरर भी जो कंपनी का था वो स्टॉक वाले वापस लगा दिए, और वो बड़ा था वो निकल दिया, और नंबर प्लेट नहीं थी आगे वो भी लगा दी। तो रोड देखो आप, रोड एक बार, और ये पानी देख सकते हो आप, ऊपर से आ रहा है पूरे, तो नीचे आप पानी भी देख सकते हो, ये ऊपर पहाड़ में से आ रहा है, इधर भी देख सकते हो, और ये बोर्ड देख लो, नीलकंठ महादेव। तो आप नीचे का भी व्यू देख सकते हो एक बार, कैसा व्यू है, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो ये हम पहुंचने ही वाले हैं मंदिर पे, तो आपको भोलेनाथ बाबा दिखे होंगे, तो ये देख लो हमारे भोलेनाथ बाबा। तो फाइनली यहाँ पर मंदिर पे हम पहुँच गए, और ये रही बाइक अपनी, देख लो यहाँ पर हेलमेट वेलमेट सब लगा दिया। फाइनली अभी मंदिर के अंदर आ गए, और ये कुछ देख सकते हो, ये हमारे अंबे माँ का मंदिर है, और जो वो आपको पहले दिखाया वो हमारे शंकर भगवान का मंदिर है। तो आप यहाँ पे भी आप व्यू देख सकते हो, वो ये कुछ बाहर का नज़ारा है, आप देख लो पीछे से। तो नीचे अभी पानी चालू है, और अभी बारिश ख़त्म हुई है, तो आप हर जगह पर देख सकते हो। तो चलो यहाँ से नीचे भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, तो ऊपर हमने दर्शन कर दिए, और यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे का भी व्यू दिखाएंगे, तो देख लो ऐसा कुछ व्यू है। अभी हम नीचे आए हैं, तो नीचे का कुछ व्यू देख लो आप, और यहाँ आप देखो अभी बारिश ख़त्म हुई है, पानी भी आ रहा है, तो हमारे संजय भाई तो आगे गए, तो हम भी चलते हैं। रुको भाई, संजय भाई तो अभी हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ एक दूसरा भी मंदिर है, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे मतलब काली माँ का मंदिर है, आप देख लो, दर्शन कर लेते हैं।
तो अभी हम ऊपर आ गए और यहाँ पर है मंदिर और ये पानी आप देख सकते हो, तो व्यू आप देख लो। तो पोलो फॉरेस्ट जैसा व्यू है और पोलो फॉरेस्ट गए हो तो यहाँ भी आप आ सकते हो। ये मतलब हमारे गांव के पास ही मंदिर पड़ता है। तो ये बाहर से मंदिर का कुछ व्यू है, आप देख लो। संजय भाई आते हुए हमारी बाइक लेके, तो ऐसा कुछ रोड है। तो यहाँ मंदिर है, हमने व्लॉग बनाया था। यहाँ से बहुत सारा 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो भी व्लॉग बनाया था। तो चलो चलते हैं नीचे, यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे का व्यू दिखा देते हैं। तो आप देख लो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, और ये इस तरफ भी आप व्यू देख लो फोटोग्राफी करने के लिए। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब जगह देखी कैसी लगी। और ये हमारे गांव परसवाड़ा गांव है, उसके पास ही मंदिर है, तो जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो और बिंदास आओ और भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर मंदिर से बहुत ही नीचे आ गए, जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था वहीं पर मतलब पहुँचे हैं। तो पहाड़ है उसके नीचे अंदर गए थे हम, और अभी बादल गिरे हैं। और इस तरफ भी पहाड़ देख लो, और इस तरफ का भी पहाड़, और सभी तरफ हमारे मतलब गांव बीच में है और चारों तरफ पहाड़ है। और हम पहाड़ों में ही रहते हैं, मतलब पहाड़ों में रहने का मतलब कुछ अलग ही सुकून है, तो अलग ही फील है। तो यहाँ पर अच्छा है फील, तो आप भी आना चाहो तो आ सकते हो। बाइक हमने ब्लैक की थी, तो ये संजय भाई ने पूरी फेयरिंग खोल दी थी इसकी, तो अब दोबारा से वो करने वाले हैं। और आपको यही मैं बताने वाला था, देखो जो कंपनी का वाइजर आता है वो भी वापस डाल दिया, और नंबर प्लेट और ये मिरर भी डाल दिए है। और अभी कुछ लुक देख लो, ऐसा कुछ लुक आ रहा है। तो इस वाले वीडियो में बस इतना है। तो वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही दूसरे एक अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।